ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍କୁ। ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ରିସିଭ୍ କରିବାର ତିଥି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମାନ୍ୟବର ଚୁନାବ ଆୟୋଗ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଉର ଅବସର ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 15 ନଭେମ୍ବର 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାରିଖକୁ ସେ ତିଥିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ହୁଏ ପ୍ରୋସେସିଂ କରି କରି ଡିସ୍ପୋଜାଲ 31 ଡିସେମ୍ବର 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଫୋଟୋ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଆନୁନେଟ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 3,18,787 3,18,787 ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ ଯେଉଁ ଆମର 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରହିଥିଲା ସେଇଥିରେ 3,12,52,333 ଭୋଟର ଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆମର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବୃଦ୍ଧି 5,39,454 ଭୋଟରମାନଙ୍କର ହୋଇଛି। ବୃଦ୍ଧି 5,39,454 ଭୋଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ କି ମାତ୍ର 5,39,000 ଭୋଟର ନୂଆ ଏଣ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମୋଟ ଫିଗରକୁ ଦେଖିବେ କେତେ ଜୁଡ଼ିଲେ ଆଉ କେତେ କଟିଲେ ତ ଇଏ ବୃଦ୍ଧି ଅଛି। ଯଦି ଜୁଡ଼ିବା ଫିଗରଟା ଦେଖିବା 11,98,819 ନୂତନ ଭୋଟର ଆମର ତାଲିକାରେ ନୂତନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁରୁଣା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ପୁରୁଣା ଭୋଟର ବି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମ 6 ଅନୁସାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଥିବେ 11,98,819 ଭୋଟର ନୂତନ ଭୋଟର ଆମର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଡେଲିସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ 6,50,365 ଭୋଟର ଆମର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମର ମୋଟ ଫର୍ମ ରିସିଭ୍ ହୋଇଥିଲା 23,76,595 ଫର୍ମ 6 ଫର୍ମ 7 ଫର୍ମ 8 ଫର୍ମ 8A ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ଚାରିଟା ଫର୍ମ ହୁଏ। 23,76,595 ଫର୍ମ ଆମର ରିସିଭ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ 3,18,787 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେତେକ ବିନ୍ଦୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇଲେକ୍ଟର ପପୁଲେସନ ରେସିଓ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଇଲେକ୍ଟର ପପୁଲେସନ ରେସିଓ, ତାକୁ ଆମେ ଇପି ରେସିଓ କହୁ। ଆମର ଇପି ରେସିଓ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା 69.75 ଥିଲା ପରସେଣ୍ଟ, 69.75%। ସେଟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇକରି 71.26 71.26% ଆମର ଇପି ରେସିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଏ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ 1.51%। ସେହିପରି ଆମର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଫିମେଲ ଭୋଟର୍ସ ଟୁ ଦ ମେଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ ଯେଉଁ 2018 ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 939/1000।
आर अर्थ है 939 फीमेल वोटर्स पर 1000 वोटर्स और मेल वोटर्स यह वृद्धि यही करी 946 को पहुंची 946 विमेन वोटर्स पर 1000 मेल वोटर्स 18 एटा आज फाइनल पब्लिकेशन फिगर्स कौच दिज आर ऑल फाइनल पब्लिकेशन फिगर्स 18-19 ईयर जोटा कि आम फोकस थिला कि जो युव वोटर अच्छा तांक प्रति आम विशेष आग्रह रही थिला तांकु केमती आम तालिकाभुक्त वोटर तालिकाभुक्त करू जत्ते बेले आम ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता आमर मोट वोटर संख्या 18-19 वर्षर थिले 133,896 133,896 वोटर्स थिले 18-19 वर्षर वर्तमान आज तारीख रे ये संख्याटा 545,401 को वृद्धि होई आर अर्थ हैला 411,505 18-19 वर्षर वोटर नुआ आमर वोटर तालिका रे अंतर्भुक्त होती आउ गोटे विशेष बिंदु थिला डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज रो जोटा जो दिन ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता आपण मानक मुझी डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज अर्थ है कि जड़े लोकर ना दुई जगह हो पारे से सिस्टमिक पारे कि जड़े वोटर शिफ्ट कर जड़े वोटर धरतु राउरकेलार थिले से कौन सी कारणवश अनुगुल को कि भुवनेश्वर को पलै आसीबे तांकर नाम सेठु पुर्णा वोटर तालिका से ही पार्ट्रु बाद करे आम शिफ्टेड वोटर कहू बेले बेले रिपीट एंट्री थाए मोर ना दुई थर भी एंट्री हो जाए यांत्रिक त्रुटि जो कि मनुष्य त्रुटि जो रिपीट वोटर कहा जाए यहीपरि तीन टा कैटेगरी थाए डीएससी रिपीट और शिफ्टेड यही सब जो संख्या सिस्टम को एनालाइज कलापर ओडिशा रे 9,02,792 टी डीएससी वोटर चिन्हट होते जिते बड़े ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता 9,02,792 यापर भारतीय चुनाव आयोग निर्देश क्रमे यार डेस्क एनालिसिस करिबार प्रावधान थिला आपण सिस्टम रे रन करी करी डेस्क एनालिसिस करिबे डेस्क एनालिसिस रु जो प्राइमा फेसई प्राथमिक तदंत परे जड़ा पड़िबो कि हाँ एटा मैच करूची किंबा डाउटफुल अछि जदियो मैच करू नहीं फोटो को मिलान कले भी किंतु जदि टिके डाउट रहूचु कि हाँ एटा डीएससी हेई पारे से सबू चिन्हट कला परे ताकू फील्ड इंक्वायरी पाई बीएलओ माध्यम रे पठा हितिला प्राथमिक जांच परे 297,323 केस डाउटफुल और मैचिंग कैटेगरी रे आसी थिला रिपीट करूची 297,323 टी केस डाउटफुल एवं मैचिंग कैटेगरी रे आसीला तांकू बीएलओ माध्यम रे तदंत करी करी जो रिपोर्ट आसला रिपोर्ट परे सबु 147 जन ईआरओ या उपरे पदक्षेप नेले एवं फाइनली 180,391 जन वोटर 180,391 जन वोटर अमर वोटर तालिकारू एई डीएससी शिफ्टेड एवं रिपीटेड कैटेगरी रू बाद पड़ी छंती आमे कही पारिबा कि वर्तमान आमर वोटर रोल रो जो हेल्थ कुआ जाए दि हेल्थ ऑफ इलेक्टोरल रोल इज गुड जदि और किछि डीएससी 1,000, 2,000, 4,000 जदि किछि कोट रही थिबो सिस्टम को एनालाइज कराउची कंटिन्यूअस अपडेशन रे ताकू भी आमे जीरो को नहीं आसीबो सो दैट कौनसी डीएससी अनअटेंडेड जेमती रहिबे नाही अमर ड्राफ्ट पब्लिकेशन पूर्वरु जो आमर गत थर जो पब्लिकेशन हेथिला 2018 मसीह रे फेब्रुवारी मास रे जो वोटर तालिका चूड़ांत वोटर तालिका पब्लिश हेथिला सेते बेले आम राज्य रे
35,896 बूथ थिला, 35,896 बूथ थिला। रैशनलाइजेशन प्रक्रिया जो वर्ष चुनाव हुए से वर्ष बूथ रो रैशनलाइजेशन प्रक्रिया करा जाए, जो थे कि मुख्य बिंदु था रूरल एरिया रे, ग्रामीण अंचल रो जो बूथ अच्छी से 1400 रु अधिक वोटर नथिबा कथा एवं अर्बन एरिया रे 1200 रु अधिक उटा क्षमा करिवे, अर्बन रे 1400 वोटर रु अधिक न हेबा कथा एवं रूरल रे 1200 वोटर रु अधिक संख्या हेबा कथा नुहे। ताकु भित्ति करी आमर राज्य रे वर्तमान 37,606 टी बूथ चुनाव पाई नियोजित है। गत स्वतंत्र संक्षिप्त संशोधन परे केतेक बूथ रे एई वोटर संख्या वृद्धि पाई, तार संख्या हैला प्राय 333 बूथ रे आमर एई जो मापदंड रही 1200 और 1400 वोटर रो मापदंड रही ताकू टपिची। एहा उपरे आमे मान्यवर चुनाव आयोग सांगरे आलोचना करी जोठी दरकार पड़िले ऑक्सिलरी बूथ रो व्यवस्था करा जीवो। तो मोटा मोटी बंधुगण एटा होची आमर वोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया रो मुख्य बिंदु। आपणकु आउ दुईटा बिंदु प्रेम कहिबाकु चाहे तापरे मु प्रश्न नेबी आपणक माध्यम में समस्त को जणाइबाकु चाहे कि आज परोठु जो वोटर भाई भौणी मानंकर ना वोटर तालिका रे अंतर्भुक्त हेइ पारि नाही एवं से माने आग्रही वोटर तालिका रे तांकर ना अंतर्भुक्त करबा पई किंबा किछि संशोधन करबा पई चाहूचंती कोनसी त्रुटि वित्रुटि को दूर करबा पई चाहूचंती से माने आमर कंटिन्यूअस अपडेशन जो प्रक्रिया अछि आसंता काली ठू पुनी चालू होई जिवो से माने आवेदन आज भी करी परिबे किंतु तार क्रियान्वयनटा आमे आसंता काली ठू आरंभ करिबू। और नॉमिनेशन प्रक्रिया रो 10 दिन पूर्व पर्यंत से माने आवेदन करी परिबे। तो जो भाई भौणी मानंकर ना तालिकारु बाद पड़ी जाइछि किंबा कोनसी संशोधन जदि पूरण हो पारि नाही से माने अप्लाई करि पारि नांती से माने कंटिन्यूअस अपडेशन समय रे तांकर ना तालिकाभुक्त करि पारिबे। या पई से माने www.ceoorisa.com.nic.in एवं NVSP www.nvsp.in माध्यम रे ऑनलाइन रे मध्य आवेदन करी परिबे। एतद् व्यतीत BLO माध्यम रे एवं इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को कार्यालय रे मध्य से माने आवेदन करी परिबे।